ज्यादा ही बड़ी मुझसे ही नमस्क, क्योंकि मेरे को हैरानी हो रही है भाई, कितनी दूसरी टाइम अभी गाड़ी बंद हुई है, बीच में गाड़ी बंद हुई, अभी 2 साल ही हुआ इसको लिए हुए, मतलब चैनल आशा चंदेल। सो गाइस, आज मेरा पहला ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मतलब वैसे मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, और आज जो है 2022 का अंतिम दिन है, तो मैंने इस दिन से शुरुआत की है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे कंटिन्यू रहूँ। बट हो सकता है मैं आपको डेली ब्लॉग ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि टाइम टाइम पर आपको ब्लॉग मिलता रहे, तो उसके लिए आप लोग मेरा साथ देना और मुझे ये भी बता देना कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूं या नहीं, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो फिर उस हिसाब से जैसा आपका रिएक्शन होगा वैसा ही मेरा एक्शन होगा। ओके, तो आज हम जा रहे हैं सौरभ बंधियार, जो कि पालमपुर में है, और मैम और मेरा ब्रदर, और आगे से हम कुछ और लोगों को पिक करेंगे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। आज लास्ट डे है, तो इन्जॉय करते हैं और आपको दिखाएंगे सौरभ बंधिया, तो बने रहिए हमारे साथ। ये पेड़ बड़े सुंदर आते हैं वीडियो में। ये चौंतरा से आगे की प्लेस है, यहाँ पे मेला लगता है, सुखावाग का मेला, या नीचे जैसे। तो यहाँ मिल गए हमें वो लोग, आप देख सकते हैं, जिनके साथ हम जाने वाले हैं। खोल जल्दी, खोल जल्दी। यहाँ है वो। हेलो, हेलो। तो गाइस, अब हम मिल चुके हैं दीक्षा और अंजना से। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग बताओ कि आपको कैसा लग रहा है इन लोगों से बातें करके। अभी हम निकल रहे हैं, कहाँ पहुंचे? बीड रोड, राइट, बीड रोड पहुंच चुके हैं हम। ये देख सकते हैं, वाओ, बर्फ यार, धौलाधार की चोटियों में बर्फ। बस यही आएंगे हम। यहाँ से तो स्टार्टिंग है, अभी हम नीचे जाएं, ट्री है, हम जा रहे हैं यहाँ पे, टिकट लेते हैं, ऑनलाइन करूँगी मैं। कितने का देखते हैं, कितने का है? ये सौरभ बंधियार, टिकट ले चुके हैं हम, अब अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा है टिका, इन एंड आउट। आइए आपको अच्छी अच्छी मछलियां दिखाते हैं। वाओ, यार कितनी सुंदर है ये। मैंने ये आज देखा। देखिए, टाइगर शार्क यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, सिल्वर शार्क मेंशन कर रखा है ऊपर, इसमें कौन सी मछली है। अल्बिनो शार्क, तो ये है मेन बात, मीन बाटिका में सौरभ बंधियार में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सी मछलियाँ हैं, और इनके ऊपर ना नाम भी मेंशन कर रखा है, मिल्की फिश, यहाँ पे मिल्की फिश,
सुंदर है यार, वाकई यार इसको देख के ना इसमें कचरा डालने का मन नहीं करता है। हाय। और गालिया स्टैचू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है, पूरा इंजॉयमेंट बिल्कुल बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। आप भी ज़रूर विजिट करें, मैं फर्स्ट टाइम आई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। अभी तो और ज़्यादा है आगे देखने के लिए, बहुत कुछ है। इस बंदे ने भरा ये पानी यहाँ पे, ये अपने घर से लेके आया, उल नदी से लेके आया है, बरोट से गाड़ी में ढो अपनी गाड़ी में ढो किसने यहाँ भरा है, कितने लोगों को भला किया है। इसमें हैं चौमिन खाने, दूसरी बार हमारी गाड़ी बंद हुई है रास्ते में, एक बार बैजनाथ में और अभी हम मोहन घाटी से आगे हैं अज्जू के पास, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है। अब देखते हैं कितनी देर के बाद स्टार्ट होगी। तो पता नहीं आज क्या हो रहा है यार, नाराजगी जाहिर कर रही है अपने 2020-22 से। नाराज हूँ सबसे।